जा रे अपने मंदिरवा, जा रे। अरे तू पहले स्ट्रीमिंग चालू करे यार। जा रे अपने सर आप लेट हो, मैं कोई लेट नहीं हूं बेटू। एक्चुअली स्केड्यूल है 12:10 पर था। एक्चुअली हर्षद का लेक्चर 12 बजे तक था ना, ये कुछ कंफ्यूजन हो गया। 12:10 पर आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बी हियर। ओके ओके, ये चलो जल्दी से बैठो, जल्दी से बैठो, जल्दी से बैठो। बाकी के खरबूजे कहाँ कट गए? भूख लगी क्या? भर गए? चल रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद तू धमाकेदार तरीके से। पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी, जल्दी से बी क्विक, और जल्दी से एक बार बोलेंगे गुड आफ्टरनून। मेरे को मजा नहीं आ रहा है। एक बार वापस से बोलेंगे, अच्छा एट द काउंट ऑफ थ्री बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो अपनी क्लास में अपन पहले ग्रीट करेंगे एक दूसरे को, है ना। दूसरा काम क्या करने का है? कर ले एक बार। अच्छा मुझे बताओ सी क्यों कर रहे हो तुम? पहले ये यहां से शुरुआत करो। सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, मेरे क्लास में ऐसा नहीं बैठ सकते। सो व्हाई आर यू डूइंग सीए? पैसा? और भी तरीके हैं पैसे के लिए तो, शेयर मार्केट है। अच्छा उसके लिए भी पैसा लगता है, बट व्हाई आर यू डूइंग सीए? चलो और इजी करते हैं। क्या है आपकी जिंदगी का गोल? चल झूठे। आज अंकिता मैम ने भी तो बोला था ना कि सी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई एम आस्किंग द गोल ऑफ योर लाइफ। वाओ सच ए इजी क्वेश्चन। समाज में इज्जत से रहना, ठीक है। और ये जल्दी जल्दी बोलो तुम, मैं और तुम एक साथ में, एक साइड में, अलग अलग साइड में नहीं है। ऑनलाइन वाले तुम भी कोशिश करो। स्टेटस सिंबल मनी और रिस्पेक्ट, पेरेंट्स को पीसफुल लाइफ, वाव लवली। टू बी बिलियनियर, करोड़पति होना है तो मतलब करोड़पति सिर्फ सीए होते क्या? अच्छा ये एक वन ऑफ द वेज है आपको लगता है। अच्छा औकात दिखानी है उसको तो तू तू थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो गया? उसके छोरी के चक्कर में तू साला इतना बड़ा कदम उठा चुका है और अभी तो छोटा है यार। कंट्री को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने, अच्छा टू अर्न रेपुटेशन, माँ बाप को रिस्पेक्ट, अच्छा ये बात तो है सही, बट आई थिंक दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स। ये सब बाय प्रोडक्ट्स। आई थिंक गोल ऑफ द लाइफ, आई टेल यू अल्टीमेटली व्हाट आई रियलाइज इन माय लाइफ, एंड आई थिंक वी विल स्टार्ट विद दैट फर्स्ट टुडे इन आवर लेक्चर। गोल ऑफ द लाइफ इज टू अर्न मनी, फॉर एग्जाम्पल। ओके मतलब अल्टीमेटली सी ए क्यू, मुद्दे पर आते, क्रक्स पर, पैसा। पैसे का क्या करोगे? चलो चलो कोशिश करो, पैसे का क्या करोगे? पैसा आने के बाद में क्या करोगे? क्या करेंगे? नहीं समझ आ रहा है। शॉपिंग, शौक पूरे करेंगे, और मतलब कुल मिला के उड़ाओगे, राइट? क्यों उड़ाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन उसके, क्यों उड़ाओगे? क्या क्या क्या? सेटिस्फैक्शन। कुल मिलाकर तुम ऐसा बोल सकते क्या? हैप्पीनेस के लिए पक्का? अच्छा तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो कि जिनके पास बहुत पैसा है बड़ो पैसा खर्चा नहीं कर पाते? तुम जानते होंगे कुछ लोग तो, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। मेरे पापा मम्मी के पास पैसा बट उड़ाते नहीं है, पता नहीं मेरे को कहां से कचरे के डब्बे से लाए थे शायद। सो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तुम ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनके पास पैसा नहीं बट दे आर हैप्पी? मुझे मेरी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब इस उम्र में अपने हिसाब से नहीं रहते, मतलब बच्चे के जैसे नहीं रहते, और सीनियर बन जाते, बड़े बन जाते इस उम्र में, तब आगे जाके पैसा कमाने के बाद में भी पता नहीं चलता पैसा कहां खर्च करना है। मेरे अंकल मेरे चाचा बहुत पैसा है उनके पास, शादी थी, मैंने बोला नाचो, नहीं नाच पाए क्योंकि कभी नाचे ही नहीं।
तो कैसे नाच लेंगे, नहीं जमा नाचने को। ए रसगुल्लो, अपने क्लास का रूल एकदम सिंपल है, मैं इधर सीरियस लोगों को नहीं पढ़ाता, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे नर्स होती है, कोई फायदा नहीं, तुम सीरियस हो, तुम स्टिल यू आर अ सीरियस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर मैं सिर्फ हैप्पी सोल्स को ब्रीड करता हूं, वी टॉक टू हैप्पी सोल्स, ठीक है, और मैं खुद एकदम खुश रहना पसंद करता हूं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे क्लास में सीरियस मत रहिए, मेरी क्लास हमेशा शुरुआत होगी विथ अ स्माइल। पैसा कमाओ नहीं कमाओ, लगी पड़ी है वो धोखा दे गई, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ घंटा नहीं झेप रहा है सर, फिर भी खुश रहो, सब ठीक है। बच्चे थे छोटे से, छोटे से थे कि नहीं थे तुम? तो जब तुम छोटे बच्चे थे तब हर चीज समझ में आती थी क्या, हर चीज तुम्हारे पास थी क्या? कोई गरीब घर में था, कोई अमीर घर में था, तब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे तुम, तब सबसे ज्यादा पढ़ा तुमने, तुमने अपनी भाषा का ज्ञान लिया, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलना सीखे, यस और नो? अलग अलग पेरेंट्स, अलग अलग स्वभाव थे, उनके हिसाब से ढले तुम, नहीं तुमको लगता है मैजिक नहीं है ये? सभी लोगों को अपने पेरेंट्स पसंद है, यस और नो? तो मैं पूछता हूं कितने लोगों को अपने पेरेंट्स पसंद है? वाओ दैट्स लवली यार, मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, इवन इफ आई डोंट टेल 100% बट ऑलमोस्ट मेजॉरिटी। तुम्हें मैजिक नहीं लगता भगवान का? ऑलमोस्ट सभी को अपने पेरेंट्स पसंद है, मतलब तुमने कभी तो भी बचपन में सीखा था ना कि कैसे एडजस्ट करने का, और अभी एडजस्ट करने के लिए बोलते नहीं होता है, अभी सर छोड़ के चले गई मेरे को वो, गेटिंग माई पॉइंट? सो द होल पॉइंट विच आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो खुश रहना पहला रूल है। मैं दुखी लोगों को नहीं पढ़ा सकता, और जो पैसा कमाने के लिए और पास होने के लिए आए उनको तो मैं 100% नहीं पढ़ा सकता। पास होना बाद में, रोतला बंदा कभी पास नहीं हो सकता, जो खुश होकर पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। समझ में आ गई बात दिन में? तो मेरे रसगुल्ले बच्चों को आज ये बात समझ में आ गई है, सभी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे ऑनलाइन वाले बच्चों, आप सभी लोगों को हाय, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, टच में रहना, और मेरा भरोसा मानो बहुत अच्छे से फाड़ने वाले हम किसको, अकाउंट्स। तुमको बताया मैं कौन हूं? मैं आनंद भांगड़िया हूं, सी आनंद भांगड़िया। आपकी उम्र जितना मुझे एक्सपीरियंस है, अभी कितनी उम्र है आपकी? 18 साल, 18 है तुम? तो मैं भी समझ लो 18 ईयर्स का वर्क एक्स है मेरे को, 18 प्लस ही है, पर ज़्यादा बताऊंगा तो तुमको गंदा लगेगा। हाँ, तो आई हैव गॉट अराउंड 18 प्लस वर्क एक्स, एंड आई एम लाइक लिटिल बिट ऑफ फिटनेस फ्रीक, तो मुझे फिट रहना पसंद है, थोड़ा सा मस्ती करना पसंद है, क्योंकि मैं बहुत लेट सीखा इन चीज़ों को, डांस वांस करना, म्यूज़िक व्यूज़िक, ये सब चीज़ें बहुत पसंद करता हूँ। अभी इस उम्र में मैं शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ, तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ आपके जैसे, इवन आई एम लर्निंग सिंगिंग एंड अदर अदर स्टफ लाइक डूइंग साइकिलिंग एंड ऑल दिस स्टफ इज़ वॉट आई लव, सो दैट्स ऑल अबाउट मी एंड सो आई एम बींग हैप्पी सोल। मतलब मैं, कोई मर भी जाएगा तो मैं थोड़ी देर रोऊंगा, बट उसके बाद में मैं खुश रहना पसंद करूँगा, क्योंकि वो गया गया, अब वापस आ नहीं सकता, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक वो जीवित है तब तक मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो सब कुछ कर लो, उसके बाद में दुखी होकर कोई सेंस नहीं है। तो अपने क्लास में एक रूल सिंपल है, तुम सीरियस होकर नहीं बैठ सकते, तुमको बोर हो रहा है तुम बेंच पर खड़े होकर चिल्ला पुकार कर सकते हैं, तुम डांस कर सकते हैं, मेरे क्लास में अगर तुम बच्चे जैसे रहोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे बच्चा हो जाऊँगा, इज दैट ओके? आई होप एवरी वन गॉट दिस पॉइंट। तो बड़े मत बनो इतने जल्दी, हाँ हाँ बहुत गंदा है उधर, छोटे रहो मस्ती में, किसी से भी जाके तुम आराम से बात कर सकते हो, अभी देख रहे हो ना हिंदुस्तान पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है ना, इधर कौन है हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान, गर्ल्स बॉयज अलग बैठे, थोड़े दिन रुक जाओ मैं भी देखता हूँ कब तक ऐसे रहता है। सो शैल वी स्टार्ट, हियर वी गो। सो कौन सा है अपना करिकुलम का नाम? CA फाउंडेशन, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज व्हाट? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, यस और नो? सो सिलेबस होकर तो हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक अच्छी खबर दे देता हूँ कि आपकी बुक्स जो है, जो इस बार आपको मिलने वाली, वो कम्प्लीटली रिवैम्प्ड है, पिछली बार भी रिवैम्प्ड थी बट इस बार उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस किए हैं, तो एकदम लेटेस्ट बुक्स मिलेंगी आपको, आप बुक्स को देखकर आपको मज़ा आएगा, सब पिक्टोरियल फॉर्मेट में अच्छी तरीके से उनको बनाया गया है, तो आपको बुक्स वगैरह अच्छे से करने को मिलेगा।
अब हमारा शुरुआत का फेज कैसे होगा, जब मैं सिलेबस के बारे में बात नहीं करूंगा, तो शुरुआत का फेज अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से अकाउंट्स पढ़ के आया है, कुछ हिंदी मीडियम से, कुछ मराठी मीडियम से, कुछ गुजराती मीडियम से, कुछ बच्चों ने साइंस बैकग्राउंड से भी किया है अकाउंट, क्या बोलते हैं, साइंस बैकग्राउंड से भी कोर्सेस किए हैं। तो उन बच्चों के लिए हम शुरुआत के 3 से 4 दिन, 3 दिन मतलब, हम एक बेस बनाएंगे जिसके अंदर जो अकाउंट से आए या नहीं आए, हम कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे जिसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। आर यू ऑल अंडरस्टूड? सो मुझे एक बात बताइए, कितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड से यहाँ पे? लवली, कैन यू पीपल प्लीज स्टैंड? ओके, इसके पहले अकाउंटिंग की कोई भी क्लास करी है क्या? किया? गुड। तो गुड न्यूज ये है तुम सभी लोगों को कि तुमको कुछ नहीं करना है और तुमको शॉर्टकट मिल रहा है कि डायरेक्टली तुम फाउंडेशन क्लियर होने वाले हो। कैन वी क्लैप फॉर देम वंस? सर बाकी के बच्चे हम जो नीचे बैठे हुए, अरे तुम सेटल्ड हो, तुम महाराज हो ऑलरेडी, तो तुमको तो पास होना ही है, बट तुम सभी लोग भी पास होने वाले, ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। अगर आप मेरी कही हुई सब बात करेंगे तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी दूसरी कोचिंग या बेसिक्स लेने की जरूरत नहीं है। बट जो जो बच्चा मुझे YouTube पर सुन रहा है उन सभी लोगों को बता रहा हूं, जब कभी भी आप 10 साल एक्सरसाइज नहीं करते हो और डायरेक्टली एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो क्या करना पड़ता है? पहले वार्म अप और अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने फर्स्ट डे एक्सरसाइज की, बहुत भारी किया और फिर उसके बाद में छोड़ दिया? नहीं झूठ मत बोला, अंडी बंडी चंडी जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ, कैसे कितने? अरे डे वन है, समझ में आ रहा है इनको, राम ये बाप रे। चलो जल्दी से बताओ मुझे, ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिन्होंने ये किया है फर्स्ट डे एक्सरसाइज की, फिर हाथ ऊपर करना, बी वेरी कॉन्फिडेंट। यस अच्छा, बाकी के बच्चों, अच्छा कितने बच्चों ने एक्सरसाइज की नहीं अभी तक? वाह 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 वाह, ये मोदी जी जबरदस्ती तुम पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और बाकी के ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने एक्सरसाइज करी और छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया? वाह लवली। कैन आई आस्क यू गर्ल, कैन आई आस्क यू गर्ल, क्यों छोड़ दिया बेटा, क्यों नहीं था? झूठ। और कौन था इधर? झूठ बोलती है, अभी मैं प्रूव कर दूंगा झूठ बोल रही। और कौन था? हाँ भाई, हाँ दर्द हुआ। तुम्हें बताऊं बताऊं, एक दिन एक्सरसाइज करना, तुम एक दिन एक्सरसाइज करना दबा के, दूसरे दिन भी करना, और मैं मजाक नहीं बता रहा हूं, तीसरे दिन तुम्हारे बॉडी में कहां कहां पे कौन से पार्ट है आपको खुलकर बताएंगे, देख मैं इधर एग्जिस्ट करता हूं, तुम्हें आइडिया भी था, इतने दिन तक तू जी रहा था। तुम्हें पता है क्या होता है? सोरनेस आती है, इट हर्ट्स लाइक टू डू द बेसिक एक्टिविटीज, लाइक टू वॉक, लाइक टू बेंड योर नीज, राइट? अगर लेग्स मारे किसी दिन तो भाई साहब चलना, पैर थर 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 कांपते हैं। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज से बॉडी बनती है सबको पता है, बट शुरुआत में उसका एक डाउनफॉल भी आता है, वेयर देयर इज अ सोरनेस। अगर आप कमिटेड हो, अगर आप हर एक लेक्चर को बैठोगे तो मैं ये वचन देता हूं कि आपको समझ में आएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे हर एक लेक्चर में क्लैरिटी चाहिए, वो मुमकिन नहीं है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बाकी के बच्चों को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि तुम जिस चीज, एक चीज जो गलती करते हो मेजर, आज ही लिखकर ले लो कि तुम कंपेयर करोगे, और कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल में होता है, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस होता है। क्या तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर कर सकते हो क्या? मुझे आता है तुम्हें नहीं आता, विल यू फील लो? क्यों ऐसा लो क्यों नहीं फील करोगे? मुझे तो आता है तुम्हें नहीं आएगा, अभी जैसे मुझे पूरा अकाउंट्स आता है, क्योंकि तुम पता करते हो कि सर के पास एक्सपीरियंस है, सर ने ज्यादा टाइम दिया है। तो अगर आप भी टाइम दोगे तो ये चीज हो सकती है, बट बिना टाइम दिए डायरेक्टली कंपैरिजन करना पाप है। तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी पोजीशन स्मूथ रहेगी, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम रहेगी, मतलब जो नीचे बैठे हुए बच्चे हैं उनसे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ी रहेगी, थोड़ी सी, मे बी 4% 5% मोर, बट उसके वजह से किरकिर किरकिर मत करना। क्या मेरी बात आपके जहन तक पहुंच गई? तो आपने क्या करना है, पहले अपने आप को कमिटेड बनाओ कि मैं इस कोर्स को कमिटेड रहूंगा, मैं हर एक लेक्चर अटेंड करूंगा, मुझे आए नहीं आए फिर भी आई एम गोना सिट इन द लेक्चर फॉर सम टाइम,
एंड देन द थिंग्स विल बी ऑल इजी, क्योंकि शुरुआत में ऐसा बम्बार्डमेंट आएगा, धड़ 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 धड़, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्मूदन अप. इज दैट ओके? यस. सो कैन यू पीपल प्लीज सिट एंड हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? पक्का मेरे को साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगा, नो धोखाबाजी, कमिटमेंट कर लिया है ना? गुड. अभी आगे बढ़े. सर जिस दिन मेरे यहाँ पर जिम में लेग होता है मैं बहुत हिम्मत करके जाता हूँ. यस बेटा. सो आशा करता हूँ कि मेरे रसगुल्ले बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि जो भी साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उन बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हियर वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज मैं कमिटेड हूँ. ठीक है. बिकॉज आई एम कमिटेड एंड आई एम श्योर दैट कि यू विल ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी 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 इजिली प्रोवाइडेड यू सिट इन द क्लास. ठीक है. तुम्हारी क्लास से कोई अपेक्षा है जो मैं तुमसे पूछ लूँ? नहीं, ऐसे ही आ गए. क्लास से कुछ अपेक्षा है तुम्हारी? ऑनलाइन लाइव तुम बता दो यार. सर अकाउंट्स के लिए कितनी नोट्सबुक बनानी? एक भरने के बाद में बेटा दूसरी बनानी होती है. तो जैसे जैसे भरती जाएगी आप बनाते रहना. ठीक है. और फिर लास्ट में हम नंबरिंग कर देंगे. नंबरिंग करने के बाद पता चल जाएगा कि हमने कितनी नोट्सबुक्स बनाई है. ठीक है. सर नोट्स अभी तक नहीं मिले. बेटा जैसे मैंने बताया शुरुआत के कुछ दिन तक बेसिक्स चलेगा. नोट्स है नहीं है कोई परवाह नहीं है. क्वेश्चंस मैं ही बनाकर दूंगा डिपेंडिंग आप कितना समझ पा रहे हो उसके बेसिस पर. ठीक है. ओके. आई एम योर बिग फैन. आई एम योर फैन टू सर. थैंक यू सो मच. अच्छा अभी मेरी कुछ अपेक्षा है और मेरे कुछ रूल्स है क्लास के, वो बता देता हूँ. क्लास में आप इधर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते, इंक्लूडिंग ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट आप इधर नहीं बैठ सकते. आपकी बैक जितनी इरेक्ट हो सके उतनी इरेक्ट रखना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, तभी जाके आपके चीज़ें ग्रहण होती है. कभी आपने देखा आपके स्कूल में कोई टीचर रहता था पढ़ा हुआ सुस्त बैठ कर पढ़ाता था तो तुमको समझ में आता था क्या? वो बॉडी लैंग्वेज की बात है. प्लीज़ वेलकम, प्लीज़ वेलकम. सो बॉडी लैंग्वेज की बात होती है. तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप कोई भी बच्चा इधर कोशिश करेगा, मुझे ये पर समझ में आता है कि थोड़ा सा कभी कभी आप लेथार्जिक महसूस करोगे, बट माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप इरेक्ट बैठोगे, किसी का भी हाथ इधर नहीं जाएगा. क्लास में एंट्री करते वक्त आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है. यू कैन कम डायरेक्टली इनटू द क्लास, डोंट हैव टू आस्क मी. वाइल गोइंग यू कैन नॉट गो डायरेक्टली, यू हैव टू आस्क मी. सेकेंड चीज, क्लास में मस्ती करना अलाउड है, बट जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तब कीड़े मत करना. बाकी अगर तुम कभी मस्ती करोगे, कभी नाच लिए तुम, तो मैं भी नाचने लग जाऊंगा इधर. समझ में आ रही बात ध्यान में? तो क्लास में बिल्कुल बच्चे जैसे ही रहना, बड़े मत बनना भी, क्योंकि आर्टिकलशिप में जाओगे ना अपने आप तुमको बड़ा बना देंगे. यू विल बी गिवन टास्क एंड यू विल हैव टू कंप्लीट इट इन गिवन टाइम. सो लास्ट का कुछ समय है तो आराम से रहना. यारी दोस्ती बना के रखना, एक दूसरे से झगड़ा मत करना. ठीक है. इस पूरे क्लास में SPC में यहाँ पर कोई भी काम अगर आपको कराना है तो करवा सकते हो आप. देर इज ओनली वन रूल, यहाँ पर सारे काम प्रेम से होते हैं. किसी भी स्टाफ के साथ आप एरोगेंटली बात नहीं करोगे. इज दैट ओके? प्रेम से कुछ भी बोलोगे सब काम हो जाएगा. सर इधर AC नहीं चल रहा, चलवा देंगे. सर फैन नहीं चल रहा, चलवा देंगे. सर बिजली नहीं आ रही इधर, वो दिख नहीं रहा है लाइट में, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा. बट बात कैसे करोगे? प्रेम से. सब लोग आपके जितने लकी नहीं है कि दे आर बॉर्न इन द सेम फैमिली, दे हैव गॉट द सेम काइंड ऑफ अ प्रिविलेज. नॉट एवरी वन इज प्रिविलेज, ओके? सो दैट डजंट गिव यू एन अथॉरिटी और राइट टू स्पीक टू एनी वन एरोगेंटली. जब तक प्रेम से बात करोगे काम सब हो जाएंगे. तो इस क्लास में सारे काम प्रेम से होते, कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा. करेंगे? अच्छा दूसरी बात, हेल्थ किसकी जिम्मेदारी? आनंद भांगड़िया की, तुम्हारे पेरेंट्स की या तुम्हारी? मुझे हेल्थ किसकी जिम्मेदारी है? पक्का? तो समय पर खाना पीना, पानी, सोना, राइट? एवरीथिंग यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन प्रॉपरली. मेरे क्लास में अगर किसी को भूख लगे तो बिंदास्त खा सकते हो, किसी को मना ही नहीं है. प्रोवाइडेड अगर बाजू में कोई है तो उसको थोड़ा बहुत दे देना, क्योंकि वो देखते रहता है. तो ऐसा कभी मत करना कि तुम कुछ खा रहे हो और मैंने देख लिया. अब मैं आज तक किसी के मुंह से कुछ निकाल कर खाया नहीं हूं और ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है. तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आएगी कि बिंदास्त होकर आराम से क्लास में कुछ भूख भूख लगे तो खाना खा लेना. मुझे कष्ट तब होगा अगर आप भूखे पेट इधर बैठे रहोगे, तो मुझे तब कष्ट होगा. तो मेरे बच्चों समान हो तुम, छोटे से पिल्लू पिल्लू हो एकदम, छोटे छोटे. तुमको लगता है तुम बड़े हो गए? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे ही हो एकदम, राइट? आई एम श्योर कि घर में जाते ही तुम्हारे घर वाले तुमको गोदी में उठा लेते होंगे और बोलते होंगे अरे बेबी आ गया, बेबी आ गया. सो आई एम श्योर
कि जैसे घर पर थे वैसे इधर हो, वी विल बी लुकिंग एट यू इन द सिमिलर मैनर, जस्ट दैट कि खाने पीने का ध्यान तो तुमको रखना पड़ेगा। अगर कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ इश्यूज है, तो डॉक्टर डॉक्टर के नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, दे विल टेक केयर ऑफ यू। और हर चीज़ को घर में जाकर है ना बाउ नहीं करने का, बड़ी चीज़ों की कुछ चीज़ें तो घर जैसी नहीं मिलने वाली है। माँ का दुलार, प्यार, खाना पीना, सर आप रुला दोगे नहीं, रोने का नहीं, खाना पीना ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम होगी। तो जब मैं फर्स्ट डे आया था मेरे हॉस्टल में सोलापुर से, उस ज़माने में ना मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तुम वीडियो कॉल करते हो ना मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हम 5-5, 7-7 दिन में एक बार फ़ोन करते थे, और वो भी मैक्सिमम 2-3-4 घंटे। पहली बार जब मैं आया था हॉस्टल में, रात को सोया था, और रात को सोते वक्त रोते रोते कब सो गया पता नहीं चला, मतलब रो ही रहा था, और कैसा है पता है कि इसको रोक रहा था, ऐसा पहुँच रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था, बट मतलब ऐसा था ना कि जैसे आँखों में से पानी रुक ही नहीं रहा था, बस रो ही रहता, बट रोते रोते सो गया। एंड आई टेल यू दैट वॉज द ग्रेटेस्ट डे आई स्टेड बैक, क्योंकि उसके बाद में जो आनंद भांगड़िया बना और जो परिवर्तन हुआ और जो दोस्त मिले, जो फ्रेंड्स बने, वो आज तक है। मतलब जो चीज़ें थी पहले की वो तो है ही है, और जिन जिन बच्चों ने लिखा ना कि मम्मी पापा की इज्जत होनी चाहिए, मम्मी पापा को, आई टेल यू माई मॉम डैड फील सो प्राउड अबाउट मी नाउ, आई एम नॉट लाइंग इट, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, और वो पैसे की वजह से नहीं है, दे फील प्राउड इन माई आइज दैट वट आई डू आई लाइक इट, दे फील प्राउड दैट यू नो कि लोग मुझसे पूछने के लिए आते कि कैसे करें, उनसे सलाम मशवरा करते हैं मेरे पापा से कि आपके बेटे से मुलाकात करा देंगे क्या प्लीज़, दे फील जेन्युइनली जेन्युइनली वेरी प्राउड अबाउट दैट, रिगार्डिंग माई पॉइंट। सो 100% यू आर बैंग ऑन टारगेट ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट इसमें एक चीज़ में प्रॉब्लम है कि इसमें घिसनी बहुत पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, और मस्ती में करते करते करोगे ना तो हो जाएगा, मस्ती में नहीं करोगे तो नहीं होएगा। पुराने ज़माने में ऐसा एक सॉन्ग सुना है क्या, दम लगा के हईशा, सुना है क्या सर, कब सुन, कहाँ पर रिलेटेड है ये? जब कोई काम करते थे ना हार्डवर्क, तब ऐसा एक सॉन्ग बनाए जाते थे, दम लगा के हईशा, ऐसा एक रिदम में हईशा, कोई पानी खींचना है, कुछ करना है, उस जमाने की बात है, रिदम में काम होता था। और अपने जीवन का रिदम, अपने बॉडी का रिदम जो बनता है श्वास से बनता है, और श्वास जैसे आपकी शैलो हुई वैसे ही समझ जाना कि आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। इसीलिए किसी को आजू बाजू में नहीं देखने का, कुछ नहीं, बस खुश रहने का। जय हो, मजा आ रहा है, बात खत्म, आगे बात इनमें, तो मजा लेने के लिए तैयार हो? यार वी आर गोइंग अहेड, बहुत लकी हो तुम, लिख देते CA फाउंडेशन पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1, इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आज हम सिलेबस देख रहे हैं, इल्ला है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। सर ये दिसंबर में जो एग्जाम होता है वही है ना? अच्छा मैं पहले ऑनलाइन की क्वेरी सॉल्व करता हूँ। वरुण अग्रवाल क्या क्वेरी? अरे जल्दी जल्दी से क्वेरी। सर नोटबुक यूनिवर्सल बनानी है? नहीं, आपको नोटबुक बनाने की अकाउंट्स की सेपरेट, पूरी की पूरी सेपरेट। तो मतलब आपकी 4 नोटबुक्स बनेंगी, अकाउंट्स की अलग, इको की अलग, मैथ्स की अलग और लॉ की अलग, चारों नोटबुक्स आपकी अलग अलग बनेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन से अटेम्प्ट के लिए क्लास है? तो बेटा जी अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 2024 या अगर दिसंबर में एग्जाम हुई तो दिसंबर 2024, जनवरी में एग्जाम हुई तो जनवरी 2024, फरवरी में एग्जाम हुई तो फरवरी 2025 जनवरी, फरवरी मार्च, मतलब सितंबर के बाद में अगर आपका कभी भी अटेम्प्ट रहा अगले 12 महीने तक तो यह बैच रिलेवेंट है। समझ आ गए? सितंबर के आगे जो भी अटेम्प्ट रहेगा ये रिलेवेंट है। मतलब हम ये कौन सा टारगेट कर रहे हैं? सितंबर 2024। ओके तो मतलब अभी हम कौन से महीने में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 5 महीने बाद, अप्रैल का महीना छोड़ दे तो 5 महीने बाद जो एग्जाम रहेगी उसके लिए बैच रिलेवेंट है। बैच का एक रिदम रहेगा, एक स्पीड रहेगी, उस स्पीड और रिदम से हम काम करते रहेंगे। सर रजिस्ट्रेशन कहाँ करने का है? तो रजिस्ट्रेशन बेटा जी अगर आप क्लासेस के बारे में पूछ रहे हो तो स्वप्निल पटनी क्लासेस पर आप रजिस्टर कर सकते हो क्लासेस के लिए। अगर आप ICI का पूछ रहे हो तो ICI.org पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, बट मुझे लगता है सितंबर के लिए डेट चली गई है, अभी आप कर सकता हूं।
सर अगर मैं फेस टू फेस करना चाहता हूं तो आप इधर आ सकते हो, पहले 4-5-10 दिन ये ऑनलाइन लेक्चर चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर कैलकुलेटर कौन सा लेना है बेटा जी? ये कैसियो का कैलकुलेटर है, ये देख लीजिएगा, ये ले सकते हो आप, ध्यान से सुनना। इसके अलावा भी आप अलग अलग कैलकुलेटर ले सकते हो, बट मेक इट अ पॉइंट दैट कि उसके अंदर आपके जो डेसिमल के फंक्शंस होते हैं ना कुछ ऊपर एक्स्ट्रा फंक्शंस, वो फंक्शंस ना रहे। नॉर्मल प्रकार का कैलकुलेटर ले लेना जिसमें एम प्लस ये सारे फंक्शंस होते हैं, एक जीटी वाला फंक्शन होता है वो ले लेना। किसी के पास और अलग अलग कैलकुलेटर है क्या? ये बताए कौन सा कैसे हुए, एक सेकंड। सो बेटा जी इसका कैसियो का नाम है MG12DBK, ये वाला कैलकुलेटर भी ले सकते हो, इसमें जीटी है क्या? हाँ इसमें जीटी है, ये वाला कैलकुलेटर भी ले सकते हो। और ये छोरी बता रही है कि इसका है MG12DBK, कैसियो MZJJJ 12DBK, ये कैलकुलेटर ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। और क्या बोल रहे हैं, कितने पेजेस की नोटबुक लगानी है? बस फुल स्केप बुक बनानी है A4 साइज की, आप 200 पन्ने की बना दो, 100 पन्ने की बना दो, 40 पन्नों की बना दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस भरने के बाद में दूसरी बुक यूज करते रहना। अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर एग्जाम में कलरफुल पेन यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ ब्लैक कलर का पेन यूज कर सकते हो एग्जाम में। कौन से? ब्लैक, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स को बता रहा हूं, तुम दो दो कलर के पेन से लिखने की आदत है तुमको, एग्जाम में सिर्फ एक ही कलर का पेन यूज करेंगे, कौन सा? ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट, सर अभी जो लिखना है वो लिखने का है क्या? मैं जो भी लिखूं लिखते रहना। सर ऑनलाइन यूट्यूब में लेक्चर कितने का है अगले 10 दिन तक? मजे करो सर, आप बहुत प्यारे हो, बस बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं बेटा मैं। अरे हो सुनते हैं अभी, हियर वी गो। तो राजा बेटा जी अभी सुन लीजिए, अकाउंट्स में होती है कितनी चीजें? 5। कितनी चीजें होती है? 5। ओ शिट मैं भूल गया, आज पहला डे ना इसलिए। 7। कितनी होगी थी? 7। 5 के 2 चीजें और बढ़ गई। तो पहली चीज लिखो डेबिट। ओ बाबा डीआर नकुली को साइंस बैकग्राउंड वाले बोलेंगे, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये कितनी हो गई? 2। सो डेबिट बोले तो क्या? व्हाट कम्स इन, ये कॉमर्स वाले जान गाने वाले मेरी, डेबिट बोले व्हाट कम्स इन। जब भी मैं ऊपर देखता हूं तो भगवान को याद कर, क्या भगवान कैसे मतलब डेबिट बोले तो कुछ नहीं, साइन है साइन। क्रेडिट बोले तो क्या? एक साइन है, साइन बोले तो प्लस माइनस, साइन नहीं होता प्लस माइनस, साइन होती है ना गुंडी, यस। तो मैं अभी आपको बोलू LHS इज इक्वल टू RHS, तुम्हारा लेफ्ट हैंड कहां है? लेफ्ट हैंड दिखाओ भाई, हाँ मेरे को नहीं बोलेंगे, राइट है मेरा, लेफ्ट है कर ना, लेफ्ट हैंड का है हाँ, और राइट का है, इन दोनों को देखो ऐसे, पागल क्या देख रही है, हाथ बोल रहा हूं मैं मजाक नहीं करता हूं मेरी क्लास में यार, प्लीज मैं अकाउंट सिखा रहा हूं, दोनों को देखो फर्क है क्या, इक्वल है क्या? भगवान ने बनाया, जो इंसान बनाया ना उसको बोलते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोले तो क्या है कॉमर्स वालो और साइंस वालो, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो ये जब लुका पैसोली ने फर्स्ट टाइम अकाउंट्स बनाया था, ही वॉज नॉट एन अकाउंटिंग प्रोफेसर, आर यू अवेयर ऑफ दिस, ही वॉज अ मैथमेटिकल प्रोफेसर, और मैथमेटिकल के प्रोफेसर ने यहां पर एक इक्वेशन बनाई थी LHS इज इक्वल टू RHS, और इस इक्वेशन में क्या लिखा था बताया क्या? टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन बनी थी पहले, ये मैथ से बनी हुई इक्वेशन है। तो बताओ मुझे क्या, टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, क्या इसका मीनिंग है वो मालूम नहीं है, बट मैं तुमको बोल रहा हूं LHS बोले तो क्या है, डेबिट है क्या? और डेबिट में क्या है? टोटल असेट। तो मैं आपको पूछता हूं असेट को कौन सी साइन है? असेट को कौन सी साइन है? प्लस नहीं बेटू, अपने यहां पर साइन का नाम क्या है? डेबिट और क्रेडिट। सो असेट को कौन सी साइन है? लाइबिलिटी को कौन सी साइन है? कैपिटल को कौन सी साइन है? समझे? मेरे को नहीं समझा। असेट को कौन सी साइन है? लाइबिलिटी को? कैपिटल को?
अच्छा एक बात पूछू मैं ये बोल रहा हूं, साइन को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, असेट को डेबिट बैलेंस होता है, एक और अकाउंटिंग की लैंग्वेज सीखी, असेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। सर बैलेंस क्या, साइन होती है। और लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है, बेस्ट है। तुम किस पर बैठे हो, बेंच पर। बेंच क्या है, असेट। ऊपर देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक सेकंड ना, सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पूछ लेते हो तुमको क्या क्या दिख रहा है। ओके ये देखो, ये किस पर बैठे बच्चे, बेंच पर। अबे स्माइल करते रहो, ये तुम दिख रहे हो उधर, बेंच पर बैठे हुए बच्चे है ना, तुमको क्या दिख रहा है, बेंच है। बेंच क्या है, असेट। ये ऊपर देखो ये क्या है, एसी। एसी क्या है, ये इधर देखो सामने जूम कर ये क्या है, असेट है पक्का। ये मेरे हाथ में आईपैड, ये देखो मेरा मोबाइल किधर गया, जाए हाँ ये मोबाइल, ये क्या है, ये इधर देखो ये क्या है, ये इधर देखो ये क्या है, नहीं नहीं ये कंप्यूटर क्या है, असेट। आई ला कौन सा बैलेंस है इसको, तो सारी असेट को कौन सा बैलेंस होता है, मतलब यहां पर जो आपको दिख रही है बिल्डिंग, कौन सा बैलेंस है उसको, डेबिट बैलेंस। सही है, सर नो। तुम्हारे घर में सोफा दिखा तुम्हें, दिखा, सोफे को कौन सा बैलेंस है, आज से जाके बोलने का सोफा तेरे को डेबिट बैलेंस है। घर में पापा का कबर्ड दिख रहा है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट। पापा के जेब में कैश, असेट है असेट, डेबिट बैलेंस। यस और नो। तो कुछ समय के बाद में मैं आपको क्या कर दूंगा कि जो बिजनेस में बहुत सारी अलग अलग असेट्स होती है वो लिख कर दे दूंगा तुमको, उनके नाम बता दूंगा, तो आप क्या बोलोगे उसको, वो क्या बन गई, असेट। असेट को कौन सा बैलेंस होएगा, डेबिट। पूछो क्यों, पूछो ना क्यों, रूल है तो मेरे पास चिड़चिड़ नहीं करने का, कुछ चीजें रूल होती है। लाल सिग्नल रुक जाओ, क्यों, रूल है। ग्रीन है चले जाओ, रूल है। बटन चालू किया, पंखा चालू, हवा, रूल है। ऐसा नहीं पूछते का, हवा क्यों आ रही, शक्कर मीठी क्यों है, रूल है। जान नहीं खाने का, कुछ कुछ चीजों के लॉजिक नहीं होते हैं, ये सोशल साइंस है, अपन ने बनाया और अपन ने बनाया तो उसके रूल्स है, समझे। आए बोले तो मैं कैसे, रूल है, आए रूल है, यू बोले तो तुम, रूल है, बेस्ट है, मेरा बच्चा समझ गया। अच्छा जी, ये लाइबिलिटी क्या है, अगर किसी के पैसे देने है, किसी के क्या करने, पैसे देने हैं, मतलब इफ द अमाउंट इज पेबल, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइबिलिटी। इफ द अमाउंट इज पेबल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइबिलिटी। अमाउंट पेबल किसका होगा, तुमने बैंक से लोन लिया, कितने के पापा मम्मी का होम लोन है, होम लोन, होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, सब करोड़पति लोग आए बैंडी इधर तो, होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, जो कोई भी टाइप का लोन लिया है, या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है आपकी लायबिलिटी। यस, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल, लायबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो लायबिलिटी मतलब जब किसी को कुछ पैसा देना बाकी है तो उसको के बोलते हैं, लायबिलिटी। बेस्ट है। और कैपिटल, सर इनके डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन है, बट अभी तो अपन क्या है, बेसिक्स पढ़ रहे ना। कैपिटल क्या होता है, ओनर, ओनर का लगाया हुआ पैसा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तुम्हें खास बात बताता हूं, मैं छोटा था, तुम भी छोटे थे कभी, वाह, तो तुमने भी करना चाहिए ये। तो मैं एक बार छोटा था और फिर मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक को बोला, मैनेजर, मैनेजर, हाय, हाउ आर यू, ही सेड आई एम डूइंग गुड बेटा, हाउ अबाउट यू, आई सेड आई एम हियर, आई एम 18 कंप्लीट, नाउ आई हैव गॉट माय इलेक्शन कार्ड ऑल्सो, I want loan from you of rupees 5 lakh. I want to start a business. So he said, very good, beta. I am such a proud of you. You are a very good guy. I said, thank you so much, sir. I want 5 lakh rupees. What I am supposed to do it? So bole ki tumhare ye proof leke aajao. Main leke chala gaya. Phir unhone mujhe pucha ki tumhara paisa kitna laga hai. Maine bola, main to kuch nahi laga raha hu. Mere paas to kuch nahi hai. Mujhe loan chahiye. Main pooch raha hu. बैंक लोन देगी क्या, औरों के पैसे से धंधा नहीं हो सकता, तुमको भरोसा नहीं है तो तुम भी बैंक में चले जाओ आज,
प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब मैं बना के देता हूँ, उसमें बोलने का बैंक को जाके कि मेरे को पैसा चाहिए। बैंक आपको कभी पैसा नहीं देगी अगर आपका पैसा नहीं लगा है। अगर आप घर लेते हो, घर में अगर आप आपका पैसा नहीं लगाते हो, तो होम लोन पूरे 100% अमाउंट का कभी नहीं मिलता है। उसको डाउन पेमेंट के नाम से आपने सुना होगा। किसी भी व्यवसाय में ओनर को पहले कुछ पैसा लगाना पड़ता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मुकेश अंबानी की कंपनी या धीरूभाई अंबानी की कंपनी, धीरूभाई अंबानी की क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहले पैसे लगाए। सो ओनर पैसा जो लगाता है धंधे में, उसको क्या शब्द से बोला जाता है? कैपिटल। इज दैट ओके? अब आज के लिए मैंने बताई थी पांच चीजें। पहली चीज है डेबिट, दूसरी चीज है क्रेडिट, फिर मैंने लिखा तीसरी चीज असेट। असेट को होता है डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डेबिट, मतलब डेबिट साइन बोल सकते हो आप। और लाइबिलिटी को होता है कौन सा? क्रेडिट। और फिफ्थ वन कैपिटल को होता है कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। एग्रीड? फिर धंधे में होती है दो चीजें, एक होता है इनकम आमदनी, और एक होता है एक्सपेंस खर्चा। सो जो इनकम होती है, वो इनकम मतलब जो धंधे में पैसा मिला आपको और वापस देने की जरूरत नहीं है, वो क्या है? इनकम। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्या दी? फीस। वापस से बताओ, तुमने मुझे क्या दिया? फीस इज माय इनकम। आपका क्या है? एक्सपेंस। इज दैट ओके? कितने बच्चों ने कल पाव भाजी खाई? पाव भाजी कोई नहीं खाया। दाबेली, पिज्जा, पास्ता। हाँ, गुड, थैंक यू। मुझे आगे के नाम नहीं याद आ रहे थे। हाँ, क्या खाया बेटा? डोंट टेल मी मम्मी ने बनाया। तो पास्ता कहां से आया? जो स्पैगेटी पास्ता आते हैं वो। बेस्ट है, शॉप से लाए थे। समझ में आ रहे? तो जो पास्ता के पैसे देकर हम पास्ता लेके आए थे, वो इनके लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। जिनको पैसा दिया उनको क्या हुआ? इनकम। सो राजा बेटा जी, एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस और इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस। मुझे नहीं समझा एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस। तो एक्सपेंस लिख रहा हूं मैं, छह चीज। एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस, चल झूठी। और सेवंथ वन, इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस। चलो जल्दी से मुझे बताओ कौन सा बैलेंस होता है। असेट को कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी को? इनकम को? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे आता है, आई शपथ। इनकम को कौन सा? एक्सपेंस को कौन सा? कैपिटल को कौन सा? असेट को कौन सा? चलो अभी रैंडमली खेलेंगे। असेट को कौन सा बैलेंस? ए बॉय, बॉल ले गया, गाना बजा जल्दी से। असेट को कौन सा बैलेंस? लाइबिलिटी को कौन सा? इनकम को कौन सा? कैपिटल को कौन सा? एक्सपेंस को कौन सा? पक्का? बेस्ट है। तो राजा बेटा जी, हमको सात चीजें पता चल गई। अकाउंट्स में कितनी चीजें? सात। पहला डेबिट, और फिर क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? साइन होती है। उसको डेबिट बैलेंस के नाम से और क्रेडिट बैलेंस के नाम से हम संबोधित करते हैं। अकाउंट्स में कितनी चीजें होती है? पांच। पहली क्या है? असेट, फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर इनकम, फिर एक्सपेंस। असेट को बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी को बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल को बैलेंस क्रेडिट, इनकम को बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंस को बैलेंस डेबिट। पकड़ा गया वायरस। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? ए हाँ, डेबिट। और इसके आगे मुझे पता चल गया कि तुम डेबिट और क्रेडिट में दोनों लिप्स ऐसे ही लाते हो, डे क्रे ऐसा। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। तो तुमको बोलना पड़ेगा दिल्ली, चंडीगढ़। दिल्ली किसके लिए बोलोगे? चंडीगढ़ किसके लिए बोलोगे? क्रेडिट। दिल्ली डेबिट के लिए, चंडीगढ़ क्रेडिट के लिए। पक्का? बेस्ट है। मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को चाय बनानी आती है? अरे एक छोरी को चाय बनानी नहीं आती। कितने बच्चों को चाय बनानी नहीं आती है? ये बीच में कोई नहीं रहेगा, घर में परेशानी होगी, चाय बनानी नहीं आती। चलिए, कैन यू प्लीज प्लीज स्टैंड। इसके पैसे अलग से लूंगा, कमीनो। चाय पिए कभी? चाय नहीं पी? वाओ, तुमने चाय पी है? तुमने चाय पी है? हाँ, चाय पी है, चाय पी। तुमने क्या पी है? दूध। गुड। सो अब मैं, भाई साहब सुनो ना, दूध बनाएंगे या चाय बनाएंगे? चाय बनाएंगे। चाय का नशा अलग है, चाय बनाते है ना। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम सभी लोगों से,
देखो तुम्हारा कॉमन सेंस कितना प्रबल है जो खड़े है। अगर चाय में शक्कर कम है तो क्या किया जाए? क्या करा जाए? नहीं आ रहा तुमको? शक्कर और डालनी पड़ेगी। क्यों? चाय अच्छी नहीं लगेगी। अरे भाई तू लॉजिकल बात कर रहा, अच्छी लग रही है बट शक्कर कम है तो क्या करना पड़ेगा? क्यों पर? हाँ हाँ हाँ, अच्छा दूध में शक्कर कम है। दूध में शक्कर कम है, क्या करेगा? ये मैं अभी भी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। दूध में शक्कर कम है, क्यों पर क्यों डाल रहे हो? मतलब क्या होता है अच्छा नहीं लगता? मतलब क्या होता है? ये तुम एक देनर है। हाँ, फीकी फीकी लगती है तो शक्कर डालने से क्या हो जाती है? शक्कर डालने से मीठा हो जाता है। बेस्ट है। मैं एक बात बोलूं क्या, शक्कर को मीठा बैलेंस होता है इसको पता नहीं है। मैं वापस पूछ रहा हूं, शक्कर को कौन सा बैलेंस होता है? अगर शक्कर कम है मतलब फीकी लग रही चाय तो हम और शक्कर डाल देंगे, वाह मीठी हो गई है। तो हमने कौन सा बैलेंस डाला उसको? मीठा बैलेंस। कितनी कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, हवा कम लग रही पंखे से, उसका बैलेंस है हवा, स्पीड बढ़ाई और हवा बढ़ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नमक कम है और नमक डाल देंगे। अच्छा तीखा कम है, शी तो क्या डालेंगे उसमें? मिर्ची। तो मिर्ची को कौन सा बैलेंस? मिर्ची को मिर्ची बैलेंस। बशी गया गाँव भर ठुमक ठुमक। मिर्ची को कौन सा बैलेंस है? तीखा बैलेंस है। और अगर और मिर्ची डालेंगे तो क्या होगा? और तीखा। शक्कर को मीठा बैलेंस है, और शक्कर डालेंगे तो और मीठा। शक्कर निकाल लिया, सपोज अपने पास पावर होता शक्तिमान जैसे, निकाल लिया हाँ तो क्या हो गया? वो मीठा होगा कि फीका होगा? बेस्ट है, तुम समझ गए। वैसे ही असेट को डेबिट बैलेंस होता है। किसको? असेट को डेबिट बैलेंस है। सुन लो रे कमीनो, बैठो नीचे। असेट को कौन सा बैलेंस है? ये या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है, है? अब इसको ऐसा समझो, शक्कर को डेबिट बैलेंस है। शक्कर डाला, शक्कर और डाला तो शक्कर डालने से और मीठा हो गया ना, बट अब शक्कर मीठी नहीं है, अब डेबिट है, तो और शक्कर डाली तो क्या हुआ? और डेबिट हुआ। मतलब असेट को डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? तो अगर ये बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? डेबिट। अगर ये कम हो गया तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट। मतलब जिसको जो बैलेंस है वो बैलेंस दे देने का। अगर वो बढ़ा तो डेबिट बैलेंस दे दो, अगर वो कम हुआ क्रेडिट बैलेंस दे दो। पक्का? वापिस पूछ रहा हूं, असेट को कौन सा बैलेंस होता है? अगर वो बढ़ गया, अगर वो कम हो गया, बेस्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? अगर ये बढ़ गया, कम हो गया, हाँ। अगर मैं पूछूं कैपिटल को कौन सा बैलेंस है? अगर ये बढ़ गया, कम हो गया, वाह। मैं पूछ रहा हूं जिले लाई इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? अगर ये बढ़ गई, कम हो गई, पिल्लू एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? अगर ये बढ़ गया, कम हो गया, ये भी रूल्स है। और जो बचपन में आपने समझे थे, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स। भूल जाओ। आई नो तुम मुझे सोच रहे होंगे कि मैं एरोगेंट है, मैं ईगो में है, हमारे प्रोफेसर मास्टर ने जो सिखाया वो तुम ऐसे कैसे झुटला सकते हो। नहीं, मैं तुमको ये सिखा रहा हूं ऐसा इंटरनेशनली, ऐसे कोई रूल्स नहीं है। ये पहले किसी जमाने में, पुराने जमाने में ट्रेडिशनल अप्रोच से हम फॉलो किया करते थे। अगर हम ICI का फ्रेमवर्क देखें, फ्रेमवर्क मतलब वो चीज़ जिसके बेसिस पर रूल्स बनते हैं, जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर भी इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। आप देखना चाहोगे वो? यू वांट अ सीट? ये ICI का मटेरियल है बेटा। नाम क्या है? फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरमीडिएट में अगर फाउंडेशन पास हुए तो आओगे आप।
तो उस समय आपको बताया जाएगा कि अकाउंट्स में जो चीजें है उन चीजों के नाम क्या क्या दिए देख लीजिए आप। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बताया, असेट लाइबिलिटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। मतलब इंटरनेशनली पहले एक जमाना था कि हम ओल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भारत की अलग फॉलो किया करते थे, बट अब क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का दौर है और अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज भारत में आती है, तो उनका पहला रिक्वायरमेंट ये रहता है कि भारत की अकाउंटिंग पॉलिसीज इस सिमिलर लाइंस पर होनी चाहिए जैसे इंटरनेशनली, अदरवाइज दे आर नॉट रेडी टू कम डाउन टू इंडिया। सो माय डियर फ्रेंड, इंटरनेशनली देर आर द फाइव थिंग्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड, ओनली नाउ ऑनवर्ड्स एनी डिस्कशन वी डू इन एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द अकाउंट्स यू हैव टू डील इट इन दिस फाइव हेड्स ओनली। यू कैनॉट यूज द वर्ड पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, गॉन आर द डेज, दैट इज नो मोर एप्लीकेबल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके किसी भी अर्लियर शिक्षा को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, वो सही रही होगी, उचित रही होगी, बट आप पुरानी चीज़ सीख के आए हो, जो नई चीज़ है ये सिर्फ इन पांच चीज़ों की बात करते हैं। क्या मेरी बात समझ में? तो अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो तो इंटरनेशनली आप जाके देख लेना असेट का डेफिनेशन, तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप इंटरनेशनली जाके देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो आपको मुश्किल जाएगा, आपको एग्जाम्पल्स दिए गए थे। एग्रीड? आपको किसके एग्जाम्पल्स दिए गए थे? आपको ये आइडिया नहीं, इफ आई आस्क इन दिस क्लास व्हाट इज रियल अकाउंट, टेल मी, आप मुझे एग्जाम्पल्स दोगे? आप मुझे एग्जाम्पल्स दोगे? आप रूल्स नहीं बता पाओगे, ए मतलब एग्जाम्पल्स दे दोगे बट उसका डेफिनेशन नहीं बता पाओगे। व्हाट इज रियल अकाउंट बताओ, है किसी को पता? अरे सिखाई नहीं तो कहां से पता होगा, है ही नहीं उसका डेफिनेशन, तो कैसे बता देंगे आप? समझ आ रही बात ध्यान में? तो राजा बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करना, जो मैं पढ़ा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहा हूं। अकाउंट्स में हम कितने आइटम पढ़ेंगे? 7, ओके, और हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, ओके। ये बच्चा सीरियस हो गया, इनको लाइट करते हैं। असेट को कौन सा बैलेंस? पक्का असेट बढ़ गई, कम हो गई? ठीक है, अभी दिल्ली चंडीगढ़ बोलेंगे, असेट बढ़ गई, असेट कम हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी कम हो गई, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल कम हो गया, दिल्ली, इनकम बढ़ गई, इनकम कम हो गई, और एक्सपेंस बढ़ गया और एक्सपेंस कम हो गया। अब इसमें ऐसा घुमाऊंगा तुमको, तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो अभी अपन डेबिट क्रेडिट के एंगल से करेंगे। एक बार पहले बाल लेके आओ, बाल। अच्छा, अपनी क्लास के कुछ रूल्स है और बता देता हूँ। देखो, एक तो क्वेरी तुम पूछोगे मुझे, दोनों में से अपने पास ऑप्शन रहेगा। पहले मैं पूछूंगा एनी क्वेरीज बच्चों, तो तुम बोलोगे नहीं है, फिर मैं बोलूंगा फिर मुझे है। तो ऑप्शन सिंपल है, या तो तुम मुझे पूछोगे या मैं तुम्हें पूछूंगा। और पूछने के वक्त क्या बताएगा, थोड़ा सा मजा आती है मेरे को कि मेरे क्लास में मैं किसी को पिकअप नहीं करता। गाना बजेगा, बॉल चलेगा, जहां पर बॉल रुक जाएगा वो आंसर देगा, ठीक है। तो क्लास में ऐसा गेम खेलते खेलते करते जाएंगे, डम चरास चलेगा, डम चरास नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अरे म्यूजिकल चेयर, पास द बॉल या म्यूजिकल चेयर, व्हाटएवर। संतोष कर रहे लोग कर, और फिर बाकी क्या हालचाल तुम्हारे, कौन कहां कहां से आए बताओ तो मुझे, जब तक ये सेटअप कर दे। ये ऑनलाइन वाले तुम भी लिखो मुझे, बताओ कहां कहां से आए, प्यारे प्यारे बच्चे, मतलब लग तो एकदम प्यारे प्यारे रहे हो। कर्नाटका से कितने बच्चे? बहुत बहुत स्वागत, मुझे कन्नड़ा हेंगोतिल्ला मुझे मालूम नहीं है, और कौन सा था, इल्ला, दो ही आते मुझे। और एक आता है, आई थिंक दैट दैट इज तमिल, तमिल और तेलुगु, आई डोंट नो, तेलुगु है शायद, नूर मुस्को, एनी तेलुगु, इट इज तेलुगु राइट, नूर मुस्को इज थोबाड़ बंद कर, मुंह बंद रख, है ना, हाँ हाँ ठीक। एनी विच इज एनी वन फ्रॉम महाराष्ट्र के बाहर, मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश, वेलकम वेलकम वेलकम। हरियाणा, बधाई हो बधाई हो, वेलकम वेलकम हरियाणा जी। कोई दिल्ली, ये मैं आवाज नहीं निकाल रहा हूं, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये कमीने लोग हैं, ठीक है। सो स्वागत है आपका। फिर और कौन से पार्ट है यार, कोई उत्तराखंड से आया क्या इस बार? उत्तराखंड, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल,
वाओ वेलकम, फिर ओरिसा, हाँ ओरिसा वेलकम वेलकम वेलकम, फिर और कौन सा जगह था, अरे पंजाब से कौन कौन है, वाह 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 पंजाब दे पुत्र। भाई तुमको एक तकलीफ तो 100% होगी, हाँ इधर जैसे तुम मक्खन खाते हो ना उधर, इधर है ना 10 दिन का बजट रहता है वो। आई वेंट टू पंजाब एंड आई टेल यू सो ग्रेट पीपल, आई टेल यू सो क्रेजी क्रेजी पीपल, आई मीन दे आर सो फॉन्ड ऑफ ईटिंग, क्या और दिल खोल कर खाते यार, मतलब मजा आ जाता है उधर। अमृतसर गया भाई साहब, मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, जोरदार एकदम मजा आ गया। एनीवे तू गाना बजाना चालू किया, थोड़े गाने तो अच्छे लगा दे यार। अरे गोटे दुबई से हो, अच्छा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बधाई हो, बुल्डाना राजस्थान, ए राजस्थान के कितने हैं यहां पर, राजस्थान के आप गुड, और कोई ये और कौन सी जगह रहेगी, मैं कोई जगह छोड़ रहा हूं क्या, जनरली यहां यहां से लोग, महाराष्ट्र तो अपने है रे, महाराष्ट्र से कितने लोग खुश हो जाओ, हाँ गुजरात एक भूल गया था, वाह गुजरात से कौन कौन, वाह लवली, केम छो मजा मा, फाफड़ा जलेबी ठीक है, और कोई कहीं और कोई छूट रहा है मुझसे, असम से आ गई क्या तू, गुड बहुत दूर है, डरना मत है बेटा, नेपाल से कोई, नेपाल से नहीं, नेपाल से बच्चे आते हैं बट फाउंडेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, नेपाल से उतनी दूर से नहीं आते, हाँ ठीक है। तो अपने एसपीसी की खास बात है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग लोग आते हैं, आपको लोगों से मिलने को मिलेगा, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पीन, अलग अलग त्यौहार, सब लोग हंस मिल के खेलते खेलते अच्छे से रहना, गधेड़ापन करना मत, समझे क्या, नहीं और कोई किसी को तंग करे तो मेरे को आगे बताने का, संभालेंगे अपन, बहुत होशियार है। हाँ गाना भारी वाला बजाना, नहीं मैं तेरे को बजाऊंगा, दे भाई मेरे को, ये मेरा टेस्ट नहीं है साले, इतने घानेरडे गाने लावली छी, अबे इमोशनल नहीं होने का इधर, रुको 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 रुको, भारी गाना लगा रहा है, डांचिक आजा आजा आजा, किधर है ये YouTube म्यूजिक, रुक रुक में लगाता है, अरे नहीं देख रहा कुछ तेरा मोबाइल में है, मेरे पास मोबाइल, और अभी ऐसी कौन सी चीज रहेगी जो नहीं देखी, देख लिया सब, लगा मजा आएगा तुमको गाना, ये चल लोकर कर रही है, पार्टनरशिप तो बहुत गड़बड़ लग रहा है, ऐड खत्म हो गई क्या, कर भाई, हाँ हो गया, ऐड इतनी देर चलती तेरी, कितना देखता है तू, कितना चूसता है साले, हाँ चालू कर अभी, इतनी ऐड आती है, आवाज बड़ा भाई, बॉल कर रहे भाई, देखा ना तो तेरे को उठा दूंगा मैं, पहले ही बोल रहे, ये दूसरा बॉल कहाँ है, अच्छा कैमरा देखने का, कहाँ पे बॉल, से हाय बॉल, बॉल कहाँ है, बॉल कहाँ है, बॉल कहाँ, वो देखो उधर बॉल, वो डर गया, बंद कर रहे, लास्ट में बॉल किसके पास था, ये पर तूने दो बॉल क्यों नहीं निकाले संत, अच्छा उधर है एक बॉल, ओके यहां पर कौन था, माइक दे रहे संतोष,
ये देना माइक, देना जल्दी से। और इधर कौन है छोरी, इधर भी माइक देना। एक हाँ छोरे खड़ा हो जा रहे, कौन है तू? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? शुभ नाम हर्षल। कहाँ से है तू? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, लव यू ब्रो। अच्छी सी स्माइल रख छोरे पर, दुनिया देख रही है तुझे। मुझे बता असेट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। डेबिट। लाइबिलिटी को? क्रेडिट। क्रेडिट। कैपिटल को? क्रेडिट। इनकम को? क्रेडिट। एक्सपेंस को? डेबिट। जल्दी से संतोष उधर माइक दे अभी जल्दी से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि असेट अगर बढ़ गई तो तुम क्या करेगी छोरी? असेट अगर बढ़ गई तो तू क्या करेगी? डेबिट। असेट कम हो गई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। इनकम बढ़ गई तो? इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट। और एक्सपेंस बढ़ गया तो? डेबिट। और कैपिटल बढ़ गया तो? क्रेडिट। कैपिटल कम हो गया तो? डेबिट। बेस्ट है। तो तुझे बात समझ में आ गई? अब मैं उल्टा पुल्टा करके पूछूं तो मैं अभी लिख कर पूछता हूँ। ये साइंस बैकग्राउंड कहाँ पे? एक पुट्टा साइंस बैकग्राउंड को खड़ा कर लेते। कौन है साइंस बैकग्राउंड? कौन है, कौन है? हाँ तू खड़ा हो जाए, बता मुझे असेट को कौन सा बैलेंस, और तू पीछे वाले बता लाइबिलिटी को कौन सा, लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस, लाइबिलिटी को कौन सा, लाइबिलिटी को बैलेंस कौन सा? क्रेडिट, बिल्कुल सही। इनकम को कौन सा, तेरे को कौन सा है? इनकम को क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ही है क्या? और तू पीछे वाला तू बता मुझे एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस है? एक्सपेंस को भी है, डेबिट है क्या? पक्का मालूम है ना? कुठे गाँव से तू? इकड़ से? हो बसा वाड़ावर। ए सुन के लो रे भाई, अगर असेट कम हुई तो मुझे बताओ क्या करेंगे? लिखते जाने का। लाइबिलिटी अगर कम हुई तो क्या करेंगे? हैं? डेबिट। असेट को क्या करेंगे? क्रेडिट। कैपिटल कम हो गया तो क्या करेंगे? डेबिट। एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे? एक्सपेंस कम हो गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है तो बेटा जी, अब साइंस तो समझ में आ गया। अब मुझे क्या समझाना है कि असेट क्या क्या है, लाइबिलिटी क्या क्या है, इनकम क्या क्या है, कैपिटल क्या क्या है, ये सब चीजें। ये जो अभी आपकी तस्वीरें निकाल रहा है उसके पास देखो तो एक बार। ये जो बंदा है इसको अगर हम पूछेंगे तेरे को क्या मिलता है रे? हंसने लगे। तेरे को क्या मिलता है बोलना जल्दी से? पैसा। ये सब करने के लिए इसको पैसा मिलता है। हमको, हम उसको क्या बोलते बताए तुझे? सैलरी। बोलो क्या बोलते हैं? एसपीसी के लिए सैलरी क्या है? Expense. और उसके लिए सैलरी क्या है? वाह, तो मुझे बताओ एसपीसी सैलरी को क्या करेगी? नहीं, ये थोड़ा सा मरमरा हो जाए। एसपीसी के लिए सैलरी क्या है? डेबिट नहीं रही रे, एक्सपेंस है। अरे ससुरे, हाँ एसपीसी के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। वाह, तो हम क्या करेंगे सैलरी को? डेबिट। ये देखो देखो देखो, बिजली की तार दिख रही, क्या जा रही है उसमें से? क्या जा रही है? करंट। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। एसपीसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है? Expense. कौन सा बैलेंस है उसको? वाह, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बाहर चल रहा है, क्या है एसपीसी के लिए? Expense. कौन सा बैलेंस है उसको? Debit. बेस्ट है। तुम्हारे पास बुक्स है? तुमको बुक्स मिलेगी क्या? नहीं। तुमको बुक्स मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ये बुक्स आनंद भांगड़िया या एसपीसी के लिए क्या है? कौन सा बैलेंस है? हाँ गुड, तुम तो समझ गए फिर। अच्छा, स्वप्निल पटनी दिख रहा है तुमको? देखा तुमने उसको कि नहीं? ऐसा बॉडी बिल्डर। स्वप्निल पटनी सर के लिए आनंद भांगड़िया क्या है? थैंक गॉड, बच गया। तो पिछली बैच बड़ी भाई आती, मैं पूछ के डर गया था एक बार का। तो स्वप्निल पटनी सर के लिए आनंद भांगड़िया क्या है? एक्सपेंस। क्योंकि आनंद भांगड़िया इधर फुकट में आके नहीं आता इधर ऐसा। आनंद भांगड़िया को क्या मिलता है? पैसा। सो आनंद भांगड़िया इज एन एक्सपेंस फॉर एसपीसी। यस और नो? यस। वो मैं नहीं बता सकता। देख, एक बार जली लोगे फिर वापस बार बार नहीं होने के। क्या कुछ भी चाहिए चले कर रहा है तू। ऑलराइट, कैन आई आस्क यू फ्यू मोर एक्सपेंसेस? राइट, मुझे एक बात बताओ, क्या नीचे ऑफिस में जब वहां पर होता है तो वहां पर रिफ्रेशमेंट दिया जाता है? तुमको खाने को देते क्या थोड़ा बहुत?
चलता है, मैं तेरे को खाने को देता है क्या? हाँ थैंक यू। कैसा हुआ यार आदमी? अच्छा इसको एक बात पूछ, तू क्या मुझे बता, तू एडवर्टीजमेंट पर भी काम करता है क्या? करता है, उसके पैसे लगते हैं? हाँ लगते हैं। एडवर्टीजमेंट एसपीसी के लिए क्या है? सो बेटा जी एक्सपेंस हेड के कुछ नाम बता देता हूं, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, भाड़ा भाड़ा भाड़ा, और कौन से टैक्सेस, यस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एडवर्टीजमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी, वाह 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 वाह, ये सब चीजें क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मतलब इन सभी चीजों को जब भी आप बुक्स में लिखेंगे आप क्या करोगे? डेबिट। और जैसे इनको क्रेडिट किया थरथरी मचनी चाहिए कि कुछ तो तुमने कांड किया है। एक्सपेंस को क्रेडिट करते तुम्हारी रूह कांप जानी चाहिए। तो एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। प्यारा प्यारा बच्चा, क्यूट क्यूट एकदम। अब जल्दी से मुझे बता दो एक बार, तुमको असेट कौन से दिख रही इधर? फैन, वेरी गुड। फिर एसी, वेरी गुड। प्रोजेक्टर दिख रहा है क्या? हाँ वेरी गुड। ये कैमरा, फर्नीचर, वेरी गुड। बिल्डिंग, लाइट्स, और बेंचेस, आईपैड, क्या क्या क्या, कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर, क्या बोल रहे, टेबल, क्या बोल रहे, ये कुछ तो बहुत भारी बोला, क्या क्या बोल रहे, बॉल। बेटा देख दो चीजें होती है, एक होता है दिया दीपक ज्योति और दूसरा होता है अगरबत्ती, उसमें से तू निकला अगरबत्ती जो सिर्फ धुआं छोड़ता है, ना उजाला होता है ना कुछ, ना मच्छर मरते। अरे दिया दीपक ज्योति बन, घर में बोलते अगरबत्ती पैदा हो गई, बॉल असट है ये। सो राजा बेटा जी घर में आपका सोना गोल्ड इज व्हाट? असेट। तिजोरी में रखे हुए पैसे, एसेट, दिख रहा है? पुश्तैनी जमीन, पापा ने किसी लोगों को पैसे दिए थे उधार में, लोन में, रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब समझ, जो पैसा आने वाला है, एसेट है। तो जब तुम ऐसे खूंखार तरीके से सोचो कि जब भी पैसा आने वाला, क्या है वो? एसेट। करने का ओवर एक्टिंग मजा आती है, मैं बोल रहा हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस। एक हो गई एसेट, लाइबिलिटी क्या होती मालूम तुमको? तुम लाइबिलिटी पहले क्या बोले? देना पड़ता है, ठीक। सो लाइबिलिटी इज पेबल, मैं मजाक करते रहता हूं दोस्त। लाइबिलिटी इज व्हाट? पेबल। पेबल मतलब जिसके पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स। क्या बात है, अभी पर साइंस के डर जाएंगे ना, ये मत बोले ऐसा कुछ भी शब्द। सर क्रेडिटर्स का मतलब जिनको पैसा देना है, ओके? बैंक ओवर ड्राफ्ट, बोरिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेबल इज लाइबिलिटीज। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे किसके, लाइबिलिटी के। हाँ लिख लेंगे, अभी मुझे इनकम के एग्जाम्पल चाहिए। क्या बात है छुरी बहुत जोरदार। तुमको मैं बताता हूँ, एक अपने क्लास में एक रूल है थोड़ा सा, मैं तुमको बता, ये भी बताना भूल गया, धीरे धीरे बताते रहूंगा। आई वेंट टू काजीरंगा, हैव यू बीन टू काजीरंगा? नो, सो आई सॉ देयर हिप्पोपोटामस, या, एंड व्हेन आई सॉ दैट हिप्पोपोटामस वाज यॉनिंग, ओके, एंड भेंडी आई थॉट दैट आई हैव ट्रेवल्ड सो फार टू काजीरंगा टू सी अ हिप्पो टू यॉन। सी, तो अपने क्लास में कभी भी कोई भी यॉन करता है तो फिर उसको क्या रेफर करके बुलाया जाता है? हिप्पोपोटामस, समझ? इस क्लास में एक्टिव रहने का मैं तुमको बता रही है। हाँ चलो, कहाँ तक बात पहुंची थी अभी अपनी? क्या बोल रहे तुम? अच्छा तो इनकम के एग्जांपल बता दो, क्या क्या इनकम है? देखो बिल्कुल सही बताया तुमने, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज व्हाट? इनकम। अच्छा इंटरेस्ट पेड क्या होगा? क्योंकि एक्सपेंसिस पेड, इनकम इज रिसीव्ड। सेकेंड पार्ट, कमीशन रिसीव्ड इनकम, कमीशन पेड एक्सपेंस, और हाँ जी मैं डिविडेंड बोलू क्या? डिविडेंड रिसीव्ड इनकम, रेंट रिसीव्ड इनकम, फीस रिसीव्ड इनकम, सेल्स इनकम,
सही है नो डिस्काउंट रिसीव्ड एग्रीड। तो राजा बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो, जिससे आपका फायदा बढ़ता है उसको आप क्या बोलेंगे इनकम, जिससे आपका खर्चा बढ़ता है एक्सपेंस, यस और नो? यस। सो बेटा जी नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस एक्सेट्रा। ए प्रीपेड एक्सपेंस नको बोल रहे, ए गावटे आया कैसा बात कर रहा तू, कहीं लेकर नहीं जाएंगे ऐसा किया तो। ए प्रीपेड एक्सपेंस इज एन असेट, हा बीच में कुछ भी बोलो नको तुम, जो मुंह में आ रहा है वो मुंह दिया तो चालू कर दिया हिलाने को। हाँ असेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम और एक्सपेंस। तुमको गाने आते है? वाह ठीक है। कोई इधर गाना गाता है? तुम में से कोई गाना गाता है? तुम में से कोई डांस कर? कुछ नहीं करा रहा, पूछ रहा हूं सर। कोई बैडमिंटन खेलता है? ठीक है। कोई क्रिकेट खेलता है? कोई जिम जाता है? गुड। और क्या क्या पूछते रहते रहे संत अपन? सिंगिंग तो कोई है नहीं इधर, डांसिंग भी कोई नहीं है, लुल क्लास है ये एकदम। क्या करती तू? डांसिंग। ओके। और सिंगिंग कोई नहीं है, बहुत लुल क्लास है। असेट का एग्जांपल दे देते, पहला लिख दो। स्टार्ट करिए लुकिंग एट द बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग के बाहर पढ़िए, क्या पढ़िए? कार, तो व्हीकल्स, कार ट्रक ट्रेन एरोप्लेन सब क्या है? असेट। फिर थर्ड वन, आप बिल्डिंग के अंदर गए, आपको क्या दिख रहा है? फर्नीचर। फिर उस फर्नीचर का एक कबर्ड खोला, आपको क्या मिली? बशी कैश। कबर्ड के अंदर बुक्स क्यों रखेंगे? कैश रोकड़ा। इस कैश को लेकर तुम बैंक में गए और बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक बैलेंस बन गया वो। बैंक बैलेंस इज व्हाट? असेट। से यस। फिर सिक्स्थ लेवल पर आपके पास जो पैसा था वो आपने किसी म्यूचुअल फंड में एफडी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को बेचा और एक रिश्तेदार को तुमने लोन दिया, लोन लिया नहीं लोन दिया, एडवांस, लोन गिवन एडवांस। सो कैन आई नॉट से लोन गिवन? लोन गिवन क्या बोल रही थी गुड़िया? लोन गिवन इज व्हाट? असेट। फिर तुमने बोला बहुत हुआ सम्मान, अब करते हैं धंधा बिजनेस। बिजनेस किया तो तुमने परचेस किया स्टॉक, स्टॉक क्या है? असेट। स्टॉक गुड्स, इन द ब्रैकेट गुड्स लिख दूं। और राजा बेटा जी इस गुड्स को तुमने बेचा उधारी में, कैसे बेचा? उधार में। बेटा गुड्स और अदर आइटम्स के बारे में समझना, गुड्स वो होता है जिसके लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है। मैं छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा था और मैं आपको बताऊं कि किसी शॉप में अगर हम जाते थे तो वहां पर ऐसा दिखता था कि भाई साहब वहां पर कुछ कोई एक नया टाइप का कोई एक टॉय है, तो हम पीछे पड़ जाते कि मुझे टॉय दो। बट फिर मम्मी समझाती थी बेटा ये टॉय का शॉप नहीं है, या ये इस चीज का शॉप नहीं है, यस और नो? प्लीज समझने की कोशिश करो आप। अच्छा मुझे बताओ एसपीसी में आने के बाद में कितने बच्चों ने बोला ये फैन बेचते क्या? अच्छा किसी को गाली खाने की तैयारी है? मैं दिखा सकता, मैं डेमो दिखा सकता है, इधर से नीचे जाने का और पूछने का उधर पीछे देखकर, ये एसपीसी का जो लोगो है ना वो बेचते क्या मेरे को खरीदने का है? या ऐसे नीचे जाके पूछने का, ये लाइट है ना आपकी वो बेचते क्या मेरे को खरीदने की है? करते तुम तो क्या करते? प्रेम से बात कर रहे हैं, गाली देंगे? मुझे नहीं पता गाली देंगे ये नहीं देंगे, बट फिर बोला जा बे इधर से। बोलने का तात्पर्य क्या कि धंधे का एक मुख्य व्यवसाय होता है, वो मुख्य व्यवसाय जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं गुड्स। जैसे आप कार के शॉप में कार मांगते हो, मोबाइल के शॉप में जाके मोबाइल मांगते हो, है ना, साड़ी के शॉप में जाके साड़ी मांगते हो, चप्पल के शॉप में जाके चप्पल मांगते हो, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करते। कंप्यूटर के शॉप में जाके कंप्यूटर मांगते हो, यस और नो? तो ये सब चीजें क्या बनी? गुड्स। तो जो गुड्स होता है उसी के लिए आपको क्या मिलता है? ऑर्डिनरली जिसके अंदर आप डील करते हो उसी के लिए आपको क्या होता है बेटा जी? जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है। सो गुड्स क्या होता है? हम उधार में बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? उधार में। इधर 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 जल्दी उठ, धीरे धीरे यार मैं बोला। हाँ ये दिख रहा है क्या तुमको? हाँ ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखेगा बट ठीक है। इस आदमी को
हाँ क्योंकि ग्रीन है ना, हाँ। तो ट्रांसफर, तो इस आदमी को मैंने क्या दिए, माल बेचा लेना, इसको माल बेचा, इसने पैसे दिए मुझे, उधार में बेचा, इससे मुझे पैसा आना है कि नहीं है। इस आदमी को नाम दिया गया डेटर्स, बोलो एक बार डेटर्स, कैसे बोलोगे, इसकी स्पेलिंग होती है डीई बी टी ओ आर एस, डेप्टर्स नहीं बोलने का, डेटर्स है, बी साइलेंट है, उसमें मेरी गलती नहीं, वो इंग्लिश की प्रॉब्लम है, मुझे भी बहुत हुई थी, डेटर्स बोलो। सो डेटर्स मतलब पर्सनल अकाउंट, सभी लोग मिलकर जिन जिन लोगों से पैसा आना है, गुड्स को बेचा उधारी में, तो उसको क्या बोलते बेटा जी हम, असेट, डेटर्स। से यस बिराजो, बिराजो सर, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, डेटर्स मतलब तो क्या, जिनसे क्या पैसा आना है कि पैसा देना है, किसके पैसे आने, गुड्स के आने कि किसी और चीज के। सो डेटर्स ये शब्द सही से यूज करना, इट इज रिलेटेड टू जनरली गुड्स, इसीलिए उसका और एक नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल, क्या बोलते हम, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार करने से जो रिसीवेबल बना, मतलब उधारी में माल बेचा तो पैसा आना बाकी है, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी क्या होता है, असेट, ट्रेड रिसीवेबल है। इसमें और भी कई अलग अलग स्टाइल हो सकती है, बट हम इसको बाद में देखेंगे, पहले मुझे बताओ हम कहां गए, मैं याद करा दूंगा, पहले कहां गए, कहां गए थे एडीए, पहले हम कहां गए थे, बिल्डिंग में, बिल्डिंग के बाहर क्या थी, हम अंदर गए, बिल्डिंग के अंदर क्या दिखा, फर्नीचर के अंदर एक बक्से में हमने रखी कैश को उठा के लेकर हम गए, बैंक से पैसा निकालकर हमने किया इन्वेस्टमेंट, को बेचकर हमने किसी को दिया लोन, यस और नो, फिर बहुत हुआ सम्मान, अब क्या करेंगे, बिजनेस, धंधा, धंधे के लिए क्या चाहिए, स्टॉक, और स्टॉक को मैंने बेचा उधार में, डेटर्स। ये स्टोरी समझ में आई, कल से यही स्टोरी पूछेगा मैं, अब मैं तुमको एक बात बताना भूल गया था, शिट, शैल आई टेल यू जो बिल्डिंग थी ना उसका एक नल लीकेज हो गया, अरे 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 प्रॉब्लम, यस या उसका नल क्या हो गया, लीकेज, क्या करेंगे नल को, रिपेयर, रिपेयर, इनकम पैसा आएगा जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेंस। तो बेटा जी रिपेयर बोलू क्या, रुको ना, रिपेयर्स, ठीक है, बिजनेस को, बिल्डिंग को हमने क्या किया, रिपेयर, वो गाड़ी बाहर खड़ी थी, क्या मांगती है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, क्या है वो, फ्यूल, क्या है, एक्सपेंस। तो क्या मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, बोलो ना, हाँ नहीं बोलोगे, बाढ़ भैया क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, से यस, अच्छा फिर मुझे बताओ वो फर्नीचर था, हाँ क्या था, दीमक खा गया, क्या बात है, उसको इंपेयरमेंट बोलते हैं। तो फर्नीचर जो था उसकी वैल्यू कम हो गई, ए साइंस भाई डरने का नहीं, ए बचपन में सुन सुन के आए ले है, इसलिए बोल रहे तुम कहीं पड़े, डेप्रिसिएशन मतलब किसी असेट की वैल्यू कम हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तुम्हारे पास मोबाइल है साइंस वालों, दिया है, तो उस मोबाइल की वैल्यू कम हुई क्या, नहीं हुई, नहीं बढ़ रही है, कम हो रही ना, नहीं भरोसा तो जाके बाजार में बेच, अभी पहले तो घर वाले बाहर निकालेंगे, मोबाइल वोबाइल बेचना नहीं है, कुछ उल्टे पुल्टे काम करना नहीं, मैं बोल रहा हूँ मोबाइल की वैल्यू कम हुई, उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे। तुमने कभी टू व्हीलर खरीदा, तो टू व्हीलर खरीदने के बाद में उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, सेस बढ़ती है, कम होती है, बेस्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्ड वन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, वो बिल्डिंग में कुछ लोग काम कर रहे हैं, देखो दिख रहा है क्या आदमी, देखो आया, देखो इस बिल्डिंग में कोई एक आदमी काम कर रहा है, इसको क्या देते हैं हम, सैलरी, सैलरी क्या है, वाओ सैलरी, एग्रीड, गुड। उस बिल्डिंग के बाहर होर्डिंग लगी है, दिख रही है, होर्डिंग लगी थी ना बिल्डिंग के बाहर, क्या है वो, एडवर्टीजमेंट, से यस। उस बिल्डिंग में एक घर अपना नहीं है, मतलब एक ऑफिस अपना नहीं है, एक ऑफिस अपना नहीं है सही में, तो अपन ने भाड़े पर लिया, भाड़े पर क्या बोलेंगे उसको, रेंट।
और वहां से दौड़ती है एक, क्या दौड़ दिया, रेलगाड़ी, झंडू बम, इलेक्ट्रिसिटी। वहां से क्या दौड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। वाओ, तुम्हें पता है खाना, उसके बाद में स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। स्टाफ खाना खाएंगे, क्या बोलेंगे हम, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस बोल दूं क्या? हाँ, रिफ्रेशमेंट बोल दे। वेलफेयर की स्पेलिंग चूकली माजी। ये मेरे तुमको और एक बात बताता हूं, मुझे बुरा मत मानना, और मानते तो भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये भाई सुनो ना, मेरे को एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, और आई ई और आर इसमें तो होते ही होते हैं, मेरे को कन्फ्यूजन होता है। तुम बोलेंगे तुम सीए कैसे बने, मेरे को अभी चालू हुई है प्रॉब्लम, पहले ठीक था मैं। आई हैव अ प्रॉब्लम विद स्पेलिंग्स, आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन स्पीक कंटिन्यूअसली, बट देन द प्रॉब्लम इज आई हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम विथ स्पेलिंग्स। और मेरे पास ऐसा घूर करने को देखो कि तुमको प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको हिंदी लिखने के लिए बोलेगा तुम्हारी भी प्रॉब्लम आ जाएगी बाहर। तो मेरी प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो फिर मेरे को ना बार बार ऐसा गिनाने का नहीं, मेरे को जलील नहीं करने का, तुमची स्पेलिंग चुक ली है। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस हो गया। अरे वो बिल्डिंग की क्लीनिंग हो रही है क्या? नहीं, क्लीनिंग चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस। स्टेशनरी कौन सा बोलेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख देते, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज भी अपन उसको बोल देंगे, रिचार्ज, इंटरनेट चार्जेस। यस, अच्छा मिथुन की स्टेप आती क्या, आईला, मिथुन मालूम है कौन? छोड़ो यार, तुमको कुछ नहीं मालूम, मैं बात नहीं कर रहा तुमसे, मैं गट हूं तुमसे। मुझे एक बात बताओ, हम कहाँ गए? ठीक है, मैं भी नहीं जा रहा, मैं भी देखो, मैं तुम्हारे जैसे बिहेव करूंगा थोड़ी। ऐसे ही करते हो ना तुम, आ रही ना बराबर एक्टिंग। बराबर आती ना एक्टिंग। अब चुपचाप बोल दो, कहां गए तुम? बिल्डिंग। वो क्या है बिल्डिंग? बिल्डिंग के बाहर क्या थी? कार। कार से लेकर अंदर नहीं घुसे तुम, अपने आप अंदर गए। क्या दिखा? फर्नीचर में क्या थी? कैश। कहां डिपॉजिट करी? बैंक से पैसा निकाल कर कहां डाला? इन्वेस्टमेंट को बेचकर किसको दिया? हाँ, और बहुत हुआ सम्मान, क्या करेंगे? बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, तो फिर तुम्हारे पास स्टॉक और डेटर्स, उधार में माल बेचा है ना। फिर मैं आपको क्या बोला कि तुम बिजनेस कर रहे थे, वो पानी की टंकी थी, वो नल था, वो बिल्डिंग थी, उसमें हो गया लीकेज, तो उसको क्या कराया? सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, यस और नो? फिर सेकंड चीज क्या हुआ कि वो जो कार पड़ी थी, कार में आपने क्या डलवाया? डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, व्हाटएवर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, किसी भी नाम से पुकारो, हाँ या नहीं? फिर बेटा जी, कार की वैल्यू कम हो रही थी, डेप्रिसिएशन हो रही थी, कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर था, सैलरी, ड्राइवर खाना मांग रहा था, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, यस और नो? और राजा बेटे रिफ्रेशमेंट बोल सकते हो, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, यस और नो? उसी कार के बाजू में एक इलेक्ट्रिक कार भी दौड़ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यस और नो? और बेटा जी, पीछे मालिक बैठकर कुछ लिखा पीढ़ी कर रहा था बुक्स में, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डू यू एग्री? और राजा बेटा जी, कार को चकाचक क्लीन कर रहे थे, क्लीनिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, यस और नो? कुल मिलाकर एक्सपेंसेस यहां पर हम लिखते हैं, यस। अब राजा बेटा जी, मैं आज आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप इंटरनेट से करिए या किसी भी टेक्स्ट बुक्स को निकाल कर करिए, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जरूर करके आएंगे। आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाने हैं वापिस से, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, यस और नो? तुम मुझे पूछोगे कि सर ये समझाओ, नहीं बेटा, आप इसको प्लीज फील करो, ये कैसे पढ़ना है। अगर हम इसको पढ़कर ये पता कर ले कि अलग अलग एग्जाम्पल्स, और कल मुझे आके तुम पूछोगे कि सर इसका मीनिंग क्या है, तो मैं एग्जाम्पल का मीनिंग समझा दूंगा। जैसे कल तुम मुझे आगे पूछोगे सर क्रेडिटर्स क्या होता है, मैं समझा दूंगा। कल तुम मुझे पूछोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, मैं समझा दूंगा। एक वार्तालाप होगी, एक चर्चा होगी, एक डिस्कशन होगा,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल तुम मुझे पूछोगे सर गुडविल एसेट कैसे, मैं समझा दूंगा। कॉपीराइट एसेट कैसे, मैं समझा दूंगा। पेटेंट एसेट कैसे, मैं समझा दूंगा। बट अभी एक टू वे कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड करते हैं जिसके अंदर आप मुझे इंटरनेट की सहायता से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आओगे, कैपिटल के, लाइबिलिटी के, इनकम के, मतलब क्रेडिट बैलेंस के एग्जाम्पल लेके आओगे। डेबिट बैलेंस के आज हमने लिए कौन से, असेट के, और कौन सा, एक्सपेंस के। जो अच्छा बच्चा है उसने एक और काम करना का कि असेट और एक्सपेंस दोनों के बैलेंस लेके रहने की कोशिश करना। सही, यस। आशा करता हूं कि मेरे रसगुल्ले बच्चों की बात समझ में आ गई। अब सुन लीजिए, जो गुरुकुल के विद्यार्थी है, ए इनका खाना इधर ही है ना, तो आपका खाना इधर ही रहेगा, वो आपको समझा देंगे बाहर, आपको हेल्प करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम रहेंगी तो वी आर देयर। इट वॉज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल। प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट पॉइंट फॉरवर्ड, हैंस फॉरवर्ड, मेंटेन दैट स्माइल ऑन योर फेस। मेरे क्लास में सीरियस नहीं रहने का, बिंदास मस्ती करने का, चिल रहने का। इज दैट ओके? मेरे को प्रेम से बाय बाय बोलो। हाँ बाय बाय। भूत को जाते हो, बाय बोल के जाता हूँ मैं, नहीं तो सपने में आता है फिर।